बागबाहरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सूरज महतो ने जीत का दावा किया है। कशिश न्यूज से उन्होंने खास बातचीत में उन्होंने क्षेत्र का विकास को पहली प्राथमिकता बताया। सपा प्रत्याशी सूरज महतो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। सूरज जी, पहले तो आपको बहुत बधाई, नॉमिनेशन आपने कर दिया है, कितना जनता का समर्थन और प्यार आपके साथ? बागबाहरा के 100% जनता का समर्थन मेरे साथ है और इस बार चुनाव 23 तारीख की गिनती में पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा मतों के लेके विजय होके और विधानसभा पहुंचाने का काम बागमारा का जनता सूरज महतो को भेजने का काम करेगा। सपा की लहर इस बार देखने को मिलेगी क्या बागमारा में, या फिर कोई चुनौती है? सपा की लहर बिल्कुल देखने को क्या, सपा की लहर एकदम झंडा गाड़ेगी पूरे झारखंड में आने वाला समय में। बागमारा से सभी विधानसभाओं से भारी मत लेके और जाके अपना झंडा सपा झारखंड के विधानसभा में गाड़ेगी। बिल्कुल, इसके साथ ही आप लगातार परिवर्तन की बात कह रहे हैं, क्या परिवर्तन लाएंगे सूरज महतो अगर जीत कर आते हैं? सूरज महतो जीत के आते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन होगा कि हमारे बागमारा विधानसभा से हजारों नौजवान युवा भाई जो रोजगार के लिए पलायन कर रहा है उनको मैं वापस ला के और बागमारा में 40,000 युवा बेरोजगार को बागमारा की भूमि संपदाओं से उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे और बागमारा में इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाके काम करेंगे। बागमारा में शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। क्या दावा और क्या वादा कीजिएगा आप जनता से, कशिश न्यूज के माध्यम से जो लोग अभी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं? देखिए, हम साफ तौर से बागमारा की जनता से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हम बहुत हो गया इन लोगों का जुमलाबाजी और इन लोगों का तमाशाबाजी से बागमारा की जनता उग गई है। जिस प्रकार से बागमारा की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, इसी प्रकार से 20 तारीख को आशीर्वाद दे के और 23 तारीख को बागमारा के विधानसभा में समाजवादी पार्टी के माध्यम से सूरज महतो को विधानसभा पहुँचाने का काम करे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो लोग आपके प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्या किसी को अपना कंपटीशन आप मानते हैं या फिर विश्वास है आपको कि हाँ हमारे पक्ष में रिजल्ट आए? जी बिल्कुल, इस बार बागमारा की जनता रुख बदल चुका है और बागमारा की जनता इस बार किसी के पक्ष में नहीं है। इस बार एक तरफा वोट होगा और बागमारा विधानसभा सभी से ज्यादा मतों से जाके विधानसभा में बैठेगा। शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ सूरज महतो थे जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया है, साथ ही परिवर्तन की लहर इस बार बागमारा में देखने को मिलेगी ये भी इन्होंने कहा। साथ ही अपने जीत को लेकर अस्वस्थ हैं, उन्होंने कहा है कि सामने कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वहां से जीत होगी। साथ ही जनता से उन्होंने वादा भी किया, उद्योग लगाने की बात कही है, रोजगार सृजन किए जाएंगे ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही कहा है कि भारी मतों से और भारी बहुमत से बागमारा से हमारी जीत होने जा रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज़, धनबाद।